कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास में पहुंचे। यहां पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वॉर मेमोरियल पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।